मेरे प्रिय बंधुओं, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ उस प्रेम के प्रति जो आप मुझे दे रहे हैं। मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ बृहस्पति पर्वत पर बनने वाले अच्छे और बुरे चिन्ह। मेरे प्रिय दर्शकों, बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह है। बृहस्पति को देखना बहुत ही जरूरी है। बृहस्पति हमारे नॉलेज, एजुकेशंस, मैरिज लाइफ, चैरिटी, स्पिरिचुअलिटी, फेम, अम्बिशंस, हमारी जिंदगी के आगे बढ़ना, मोटिवेशंस, आध्यात्मिक गुरु, जितने भी वर्ल्ड फेमस आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, उनमें बृहस्पति का मेन रोल। इसलिए बृहस्पति पर्वत को देखना बहुत ही जरूरी है। जो हजारों दर्शक मेरे से पामिस्ट्री सीखने के इच्छुक हैं, वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले ये देखना है कि बृहस्पति पर्वत कहाँ पर स्थित है। ये मेरा पाम आप देख रहे हैं, ये लिटिल, ये हमारी तर्जनी उंगली, इसके नीचे वाला पर्वत, ये हमारा बृहस्पति पर्वत है। जब बृहस्पति पर्वत अच्छी अवस्था में है तो आपकी मैरिज टाइप अच्छी है, आप जिंदगी में एम्बिशियस है, आपके पास धनवान है, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप दूसरों का भला करने वाले हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि उसमें उबार है या नहीं है। ये उबरा होना चाहिए, दबा हुआ नहीं होना चाहिए, जहां से मांसल होना चाहिए। यदि ये उबरा हुआ है तो समझ लीजिए आपका राजयोग बनता है। इसमें हम जानते हैं बनने वाले शुभ चिन्ह। सबसे पहले बात करते हैं स्टार नक्षत्र, कुछ इस तरह का चिन्ह। स्टार, स्टार कहीं भी हो, हमारे शनि पर्वत को छोड़कर शनि पर्वत पर स्टार का चिन्ह अच्छा नहीं है। स्टार का चिन्ह उस ग्रह के गुणों को कई गुना बढ़ा देता है। तो जहाँ पर स्टार का चिन्ह होना बहुत ही शुभ है, ऐसे जातक मैंने आध्यात्मिक गुरु देखे हैं, वर्ल्ड फेमस रेनाउंड आदमी देखे हैं, जो बहुत ही शुभ है। नेक्स्ट इज क्रॉस, जहाँ इस पर्वत पर क्रॉस का होना क्या इंडिकेट करता है। मेरे प्रिय दर्शकों, इस क्षेत्र में क्रॉस का होना ये इंडिकेट करता है कि आपकी मैरिज लाइफ बढ़िया रहने वाली है, आपके अपनी पत्नी के साथ अच्छा तालमेल रहेगा, आप में लीडरशिप क्वालिटी रहेगी, आपका भाग्योदय भी मैरिज के बाद ही होगा। ये बहुत सामने वाली बात है कि आपको ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट इज स्क्वायर, इस तरह का वर्क कंसर्न, यदि आपके बृहस्पति पर्वत पर भरक का चिन्ह है, बहुत ही सिंपल, ये लोग बहुत ही आध्यात्मिक होते हैं, मोटिवेटर होते हैं, लोगों को मोटिवेट करने का काम करते हैं। इनका जिंदगी में एक ही ध्येय होता है, मोटिवेट करना, समाज के बुराइयों के अगेंस्ट लड़ना, लोगों को मोटिवेट करना। वर्ल्ड फेमस लोग देखे हैं, वर्ल्ड फेमस लोग जिनके हाथ में जे स्क्योर का चिन्ह होता है। नेक्स्ट इज ट्रायंगल, त्रिभुज का चिन्ह है। इस चिन्ह क्षेत्र में मैंने बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स के हाथ देखे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स के हाथ देखे हैं, बड़े वीआईपी सेलिब्रिटीज, बड़े रिनाउंड पर्सन्स, उनके हाथ में ये ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल्स भी आदमी को वर्ल्ड फेमस बनाने की ओर अग्रसर रहती है। जी आदमी बहुत शुभ चिन्ह है ट्रायंगल, यदि हाथ के हाथ में ट्रायंगल्स हैं तो आप अच्छे। ये पॉलिटिशियन इस तरह के होते हैं जो अपने डीप ऑफ द हार्ट लोगों का भला करने चाहते हैं, कनिंग नहीं होते, अच्छे होते हैं, भला करने वाले होते हैं, मोटिवेशनल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जहां पर एक खड़ी रेखा, इस क्षेत्र में खड़ी रेखा का होना बहुत शुभ है।
ऐसे लोग सेलिब्रिटी हो सकते हैं, आध्यात्मिक हो सकते हैं, प्रोफेसर, रिसर्चर, साइंटिस्ट। जी अच्छी है। यदि मल्टीपल रेखाएं आ गई हैं तो जे क्या करेंगे, आपके माइंड को डिवाइड करेंगे, आपको जितना बेनिफिट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। यदि जहां पर डॉट का चिन्ह है, बिंदु, बिंदु का चिन्ह जहां पर अच्छा नहीं है, आपको इल हेल्थ, मैंने अपने 40 साल के तजर्बे में पाया है, जिनका जे जहां पर बिंदु है, डॉट है, इल हेल्थ की प्रॉब्लम देता है। बाईपास सर्जरी दो दो तीन तीन बार मैंने अक्सर देखी है जिनके बृहस्पति पर्वत पर डॉट होते हैं। नेस्ट इज सर्कल, सर्कल का होना जहाँ पर अच्छा है, आध्यात्मिक बात की ओर लेकर जाता है। नेट जहाँ पर जाल का होना, जाल कुछ इस तरह का कटिंग लाइन, ये अच्छी नहीं है, कन्फ्यूजन पैदा करती हैं, ये आपको फेम में कमी करती हैं, आपको अपजस दे सकती हैं, मनी लॉस दे सकती हैं, तो ये अच्छा साइन नहीं है। जहाँ से आपके लाइन कोई भी मंगल पर्वत से ऊपर की ओर गई, जैसे प्रोग्रेसिव लाइंस कहते हैं, ये होना भी बहुत ही शुभ है। ऐसे लोग जिंदगी में ऊपर जाने की तमन्ना रखते हैं और हर वक्त प्रोग्रेसिव इनिच, यदि दो तीन रेखाएं ऐसी होंगे तो आदमी कंफ्यूज पर्सनैलिटी रहेगा, मल्टीपल काम की ओर अपना मन। जहां पर एक और अलग किस्म की स्लिपिंग लाइंस, जहां जे वाले जे लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइंस भी अच्छी हैं, बड़े रेयर हाथों में होती हैं, बड़े कुछ लोग 1-2% के हाथों में जे हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। जे हॉरिजॉन्टल लाइंस भी बहुत शुभ है, ये आदमी को सेलिब्रिटी बना सकती हैं, ये आदमी को आध्यात्मिक बात बना सकती हैं, ये आदमी को मोटिवेट बना सकती हैं। इसलिए मेरे प्यारे दर्शकों, बृहस्पति पर्वत को जरूर देखें। यदि आपका बृहस्पति पर्वत अच्छा है तो आप एक अच्छे परमात्मा के प्यारे हो सकते हैं। एक और चिन्ह मैं भूल गया, रिंग ऑफ सोलोमन, जे इस तरह की रिंग अर्धचंद्राकार हमारे जुपिटर पर होना, ये भी बहुत शुभ है। ऐसे लोग मोटिवेटर्स होते हैं, ऐसे लोग आध्यात्मिकवादी होते हैं, लोगों को अच्छा करने की ओर प्रेरित करते हैं। सो मेरे प्रिय दर्शकों, आप बृहस्पति पर्वत को ध्यान से देखो, इसे समझने की कोशिश करो। हाँ एक बात हो, मैंने 40 साल के तजर्बे में ये पाया, लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मेरा बृहस्पति पर्वत बहुत अच्छा है, उसमें अच्छे साइंस है, मैं बहुत कुछ लोगों की भलाई के लिए भी करता हूँ, लेकिन मुझे क्या मिलता है, मेरे कोई भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं होता, मेरे बच्चों की मैरिज लेट हो रही है, मेरे बच्चे सेट नहीं हो रहे। इसका एक ही जवाब है, भगवान ने आपको इसी काम के लिए डिजाइन किया है, आपको भगवान ने किसी काम के लिए डिजाइन किया है, आप अपना काम निरंतर करते रहें, कुदरत के काम में कोई भी रुकावट नहीं डाल सकता, कुदरत सर्वोपरि है, आप अच्छे काम करते रहें, कुदरत आपका साथ देगी, देर सहित लेकिन जरूर साथ मिलेगा। ये मेरा मानना है, अच्छे काम करने से आपकी रेखाएं बदलती हैं, आपका भाग्य बदलती है, मैंने 40 साल के तजर्बे में पाया। इसलिए निरंतर अच्छे काम करें, निरंतर अच्छे काम करें, दूसरों की भलाई के लिए काम करें, जिससे आपका भाग्य भी बदलेगी, हाथ की लकीरें भी बदलेंगी, हाथ के पर्वत भी बदलेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।